नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ चैनल। हमारे साथ हैं प्रोफेसर रतनलाल, जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो शुक्रिया, थैंक यू। प्रोफेसर साहब, 1921 को दिल्ली के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें करीबन सैकड़ों से ज़्यादा बच्चे अरेस्टिंग हुई, 100 से ज़्यादा बच्चों की अरेस्टिंग दिखाई जा रही है, और उसके बाद रविदासी समाज इतना नाराज़ हो गया है कि उन्होंने अपने मंदिरों से मूर्तियाँ निकालनी, पूरे देश से व्यापी का आंदोलन चालू हो गया है, तो इसके पीछे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रोटेस्ट तो सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में भी हो रहा है जी। और हमें तो खबर आ रही है कि दुनिया के कई देशों में बड़े बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हुआ है। ये एक तरह का वैचारिक संघर्ष है जी, और वो तथागत बुद्ध से लेकर अब तक चल रहा है। लोगों ने समय समय पे जो ब्राह्मणवाद है, जो पाखंडवाद है, जो आडंबरवाद है, जो मिथक है, उसके खिलाफ, चाहे गौतम बुद्ध हों, गौतम बुद्ध तो शूद्र नहीं थे, या चार्वाक हों, या पूरी आप परंपरा उठा लीजिए, कबीर हो, रविदास हों, तुकाराम, तमाम ऐसे लोग, साहू जी महाराज हों या फिर फूले साहब हों, तो एक वैचारिक जो संघर्ष था, युद्ध था, जो कि चलता रहा है। लेकिन ये 21वीं सदी है और ख़ास तौर से सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी, जो नौजवान लोग थोड़ा पढ़ लिख के विश्वविद्यालयों से, कॉलेज से पढ़ के आए हैं, उनमें चेतना का बहुत प्रचार हुआ है जी। तो पहले क्या था, हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं था कम्युनिकेट करने का, लिंगुआ फ्रांका नहीं था कि लोग बात एक दूसरे की समझ पाए। तो कहीं कहीं पॉकेट्स में प्रोटेस्ट होते थे, विरोध होते थे, और वहीं दबके रह जाते थे। आपके पास कोई मीडिया नहीं था, आपके पास कोई जनसंचार के माध्यम नहीं थे। लेकिन ये अब कमाल हुआ है कि सोशल मीडिया से जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया अपने पास रखे, वो जो दिखाना है दिखाए जी। लेकिन सोशल मीडिया ने एक चेतना का बहुत ज़बरदस्त जो है प्रसार दुनिया भर में किया है, ये सिर्फ भारत में नहीं। तो जिस तरीके से रविदास मंदिर को तोड़ा गया और आनन फानन में एक तरफ उसी कोर्ट में जो मिथकीय राम है उनके मूर्ति और मंदिर बनवाने की सुनवाई रोज हो रही है, और उसी कोर्ट से जो है संत रविदास के मूर्ति तोड़े, मंदिर तोड़ने के आदेश आते हैं, तो बहुजन समाज इस पूरे खेल को समझ रहा है। तो खेल को समझ रहा है इसलिए सड़क पे आया है। और ये देख लीजिए आप, सिर्फ एक आंदोलन नहीं, आप पिछले 2-3 साल में आप देख लीजिए, 2-2 बार भारत बंद हुआ है और जंतर मंतर पे तमाम कई हजारों हजार की संख्या में लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। तो ये तो एक वैचारिक संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष है अम्बेडकर वाद बनाम आडंबरवाद, मिथकीय मानव बनाम ना वास्तविक संत, इसके बीच ये संघर्ष है और ये संघर्ष अभी बढ़ेगा। और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, अपने घरों से मूर्तियां निकाल रहे हैं, या जो उनको लगता है कि ये हमारे देवता नहीं हैं, तो इतने सालों से जो काम बहुत ही स्लो गति से हो रहा था, ये सोशल मीडिया ने कमाल कर दिया है कि लाखों के बीच रोज बात पहुंच रही है। तो हम लोग का पर्पस क्या था, देखिए बाबा साहब भी कालाराम मंदिर मूवमेंट किए थे मंदिर प्रवेश के लिए, तो क्या कोई कह सकता है कि हिंदू नहीं, उनका पर्पस था कि किसी का अगर डेमोक्रेटिक राइट है, अगर वो मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जाए, तो इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो हम लोग जैसे तमाम सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जो बात कर रहे हैं, हम बोले किसी को हम रोकेंगे नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे कि आप पूजा पाठ आडंबर मंदिर जाना ये सब अपने आप छोड़ दोगे जी। तो ये देखिए, मैं वीडियो देख रहा था आपका कल, उसमें महिलाएं ज़्यादातर हैं जो आके निकाल रही हैं और कह रहे हैं कि हमारा बंधन है और बंधन से मुक्त हो रही हूँ। तो एक बड़ा ज़बरदस्त ये संदेश जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये इसका रिएक्शन जो है अखिल भारतीय स्तर पर होगा, और लोग अब समझ रहे हैं कि हिंदू बना के वोट लेते हो, जब दंगा कराना होता है तो हिंदू हो, हिंदू धर्म संकट में है, जब मजा लेना होता है तो दलित पिछड़े आदिवासियों बाहर जाओ। तो ये जो एक तरह से समझ लीजिए कि आखिरी ये सांसें गिन रहा है अभी कि कांवड़ में तो डीजे लगवा देते हैं जी। लेकिन जब उसको आरक्षण देना होता है, हक देना होता है, उनको समान अधिकार देना होता है, तब वो शूद्र हो जाता है। तो ये समाज आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब सैकड़ों की संख्या में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से समाज ये जागृत हो रहा है और इसका चेन रिएक्शन हो रहा है। तो अभी दिल्ली में हुआ है, आप कल देखिए, कुछ दिन बाद आपको हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह से ऐसी घटनाएँ पहले भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने ले जाके नदी में जो है विसर्जन कर दिया है। तो ये जो रविदास जी का मंदिर का तोड़ा जाना है, ये भी घटना नहीं, संकेत है कि आप एक मंदिर अगर तोड़िएगा तो करोड़ों लोग, दलित पिछड़े तमाम लोग,
ये अपना दावा ठोकेंगे, दूसरा ये आप अपने घर से जो सांस्कृतिक गुलाम बने हुए हैं वो स्वतः गुलामी से मुक्ति के लिए वो छटपटाहट उनमें आएंगे, स्वतः वो आएंगे। तो ये एक बड़ा नहीं, एक घटना नहीं संकेत है, ये भी एक प्रोटेस्ट है, इसको एक प्रोटेस्ट के रूप में देखिए, तब इसके आंसर उसमें मिलेंगे जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।